नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका सरकारी नौकरी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो किसान सम्मान निधि योजना जो है दोस्तों चालू की गई, उसके अंतर्गत जो किस्त है वो किस्त सभी किसानों के खाते में दीपावली उपहार के तौर पर जो है मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा सभी किसानों को आज दिनांक को जो दोस्तों ट्रांसफ़र कर दी गई है। आप अपनी किस्त की राशि कैसे चेक करोगे? यदि आपके पास मैसेज शो नहीं हो रहा, मैसेज नहीं आया, तो उस स्थिति में आप अपनी राशि की जो है दोस्तों कौन से खाते में आई वो आप कैसे चेक करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चालू की गई है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा जो है दीपावली के उपलक्ष्य पर सभी किसानों के खाते में जो दोस्तों 2000 रुपये की राशि भेज दी गई है, जो कि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत जो किसान कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत 2000 रुपये की 6 किस्त में राशि दी जाती है। तो दूसरी किस्त जो है दोस्तों सभी किसानों के खाते में आ चुकी है। आपके जो भी खाते से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर जो है दोस्तों एक मैसेज आपको आया होगा, जो कि इस तरीके से आपको एक मैसेज होगा, जो भी आपका बैंक रहेगा उसका नाम रहेगा, 2000 रुपये हैज़ बिन क्रेडिट नेच इन यूअर अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर किसान कल्याण गवर्नमेंट ऑफ MP, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सी तारीख को, तो 29/10/2024 को जो है दोस्तों आपके खाते में जो किसान कल्याण की राशि है वो 2000 रुपये की राशि आपको जो दोस्तों प्रदान कर दी गई, जो कि 4:48 पर सभी किसानों को मैसेज शो हो गया है। अब दोस्तों, जिन किसानों को मैसेज शो नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में दोस्तों आप अपना आधार कार्ड से आप अपना खाता NPCI DBT एक्टिव करवा ले और अपने बैंक अकाउंट में जाकर अपने खाते में जो है दोस्तों अपना चालू वाला एक्टिव वाला मोबाइल नंबर जो है लिंक करवा ले, ताकि अगली आने वाली जो भी किस्त है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, वो पैसों का जो मैसेज है वो आपको प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, यदि आपको मैसेज नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में आपको sara.mp.gov.in ये वाले पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में स्क्रॉल करके नीचे आना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही की स्थिति का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपके पास आधार नंबर, बैंक खाता, PM Kisan ID जो भी है वो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड देना और सिंपल से आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सर्च पर क्लिक करोगे, तो आपका जो भी स्टेटस है पूरा जो दोस्तों आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण सम्मान निधि योजना की जो भी राशि आपको अभी तक मिली उसका सारा स्टेटस आपको शो हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये जो राशि आज की तारीख में डली है, इसलिए जो है दोस्तों इसमें जो आपको राशि का स्टेटस आज का नहीं शो होगा, ये पेंडिंग दिखेगा। जब आप 2 से 4 रोज बाद इसका चेक करोगे, तो आपके खाते कौन से खाते में राशि आई है उसका स्टेटस भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है 2000 रुपये की, वो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव द्वारा 29/10/2024 को जो है दोस्तों दीपावली के तोहफे के रूप में सभी किसान बंधुओं के खाते में जो है दोस्तों ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।